मैंने बाहर अभी बोर्ड देखा कि आप लोग गोल्ड के बदले लोन देते हैं। जी आइए बैठिए। जी देखिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, घर में मेरी बेटी बहुत बीमार है। तो दिखाइए आप क्या लेकर आई हैं। जी ये देखिए। बिल है आपके पास इसका? जी बिल तो मेरे पास नहीं है, ये सारी चीजें मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, बिल भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं भैया, इन्हें पैसों की जरूरत है, और देखिए सोना भी काफी अच्छा है ये देखिए। ठीक है मैं ले लेता हूँ ये, लेकिन मैं इसके आपको सिर्फ 10,000 रुपये दूंगा। सिर्फ 10,000? मेरे हिसाब से तो इसकी कीमत करीब 35-40 हज़ार होनी चाहिए। देखिए एक तो आपके पास बिल नहीं है, ठीक है, ऊपर से आपका सोना भी कितना हल्का है देखो, और हम भी तो रिस्क ले रहे हैं ना विदाउट बिल खरीदने का। भैया पर देखिए मैडम, आपको लेना है तो बताओ, नहीं तो हमें और भी काम। ठीक है दे दीजिए 10,000। ले ले, लो पैसे देता हूँ। जी शुक्रिया। भैया उनका सोना तो अच्छा खासा था, आपने उन्हें 10,000 ही दिए। इसी को तो बिजनेस कहते हैं भाई, हम इस धंधे को कैसे बनाएंगे। पर भैया उनकी मजबूरी भी तो देखिए ना। देख तुझे कुछ नहीं पता, मैं कर रहा हूं ना हैंडल, तू अपना काम कर। अरे आंटी कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बताइए मैडम आज क्या बेचने लेकर आई? मैं ये चेन गिरवी रखने आई हूँ, फिर से नई मुसीबत, फिर वही पैसों की किल्लत। अरे आंटी जी मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी। ये चेन मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसे बेच तो नहीं सकती मैं, सोचा गिरवी रख देती हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे तो घर का काम चल जाएगा। ठीक है ले लेते हैं, पर 12% इंटरेस्ट लगेगा। 12%? ये ब्याज कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं कहाँ ज्यादा है, पूरे मार्केट में ऐसा रेट कहीं नहीं मिलेगा आपको। भैया पर मुझे कितनी बार कहा है बीच में मत बोला कर, जा अपने रूम में बैठ। हाँ जी बताइए क्या करना है। ब्याज कुछ कम नहीं हो सकता? अरे यार आंटी जी आप समझती नहीं है, ब्याज है कोई प्याज नहीं है कि 12 के 10 लगा दूं। लेना है तो लो नहीं तो जाओ यहाँ से। ठीक है जी इधर साइन करो। शुक्रिया। अरे आंटी आइए बैठिए। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैं। ये लो बेटा ब्याज के साथ पूरे पैसे लेकर आई हूँ मैं, अब जल्दी से मुझे मेरी चेन लौटा दो। ये लो आपकी चेन। अरे बेटा लगता है तुमने मुझे गलती से किसी और की चेन दे दी, ये मेरी चेन नहीं है। क्या बोल रही हो, आप ही की तो चेन है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, क्या मैं अपने पति की आखिरी निशानी नहीं पहचानती? ये वो चेन नहीं है। लाइए आंटी मैं देखता हूँ। यार ये सही कह रही है, ये इनकी चेन नहीं है। तुझे कितनी बार बोला है मैंने अपना मुंह बंद रखा कर। ला चेन दे और चुपचाप बैठा रहे यहाँ पे। ये लो आप ही की चेन है। देखो तुम ये बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, ये वो चेन नहीं है, मुझे मेरी चेन चाहिए। देखो आंटी बहुत देर से तमीज से बात कर रहा हूँ, समझे इस बात का फायदा मत उठाओ। पर ये मेरी चेन नहीं है। अगर आप यहाँ से अभी नहीं गए ना तो मैं सबको बोल दूंगा चोरी का सामान बेचने आई है। क्या
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे मेरी चेन चाहिए बस। चुपचाप अपनी चेन लो और निकलो यहाँ से। मुझे जा रहे, नहीं जा रहे यहाँ से। क्या देख रहा है उधर? चल हिसाब लगा। अरे एक चाय देना आंटी। आप यहाँ पर? क्या बताऊँ बेटा, उस दिन के बाद से मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं यहाँ काम करती हूँ। माफी मांगना चाहता हूँ। और मैं जी, एक मिनट। हेलो। हेलो शुभम। हाँ जी। दुकान पर जल्दी आ, अर्जेंट मैटर हो गया है, पुलिस आई हुई है। जी मैं आ रहा हूँ। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? हमारी दुकान पे पुलिस आई है। क्या कह रहे हैं? कुछ अर्जेंट मैटर है। मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक होगा। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। जी। सर देखिए, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। इंक्वायरी बैठेगी तो पता चल जाएगा। सर आप समझ नहीं रहे सर, शुभम यहाँ जो तुम और तुम्हारा भाई मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो ना बैठ के लोन के नाम पर, इसका पर्दाफाश हो चुका है। चलो थाने चलकर बताता हूँ तुम्हें, चलो। अरे जसवंत बेटा, तुम? फातिमा आंटी, आप यहाँ कैसे? खुश रहो बेटा, मैं इन दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये दुकान इनकी जान है। मैं नहीं जानती कि इन्होंने कोई फ्रॉड किया भी है नहीं, लेकिन क्या तुम इन्हें सुधरने का एक मौका नहीं दे सकते? मैं जब भी यहाँ आई हूँ, शुभम ने मेरी बहुत इज्जत की है, और शायद ये बाकी कस्टमर्स के साथ भी ऐसा ही करते हैं। आज अगर आरिफ जिंदा होते तो वो इन्हें सुधरने का एक मौका जरूर देते। आंटी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और आरिफ सर तो मेरे आइडल थे। मैं इन दोनों को एक मौका जरूर दूंगा। बिजनेस करो, स्कैम नहीं, समझे? जी सर। ऑथेंटिक है आंटी, प्लीज मेरे को माफ कर दो। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी सूद समेत। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगी, कभी भी किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाना। पैसे कमाने के लालच में तुमने अपना तो नुकसान किया ही, साथ में अपनों का भी नुकसान किया। तू भी मुझे माफ कर दे भाई, तू सही था और मैं गलत। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विद्स क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में। टेक केयर। जोर से बोलो हैप्पी डीडी।